पहले बात करते हैं प्रदेश के मौसम को लेकर। तो सर्द हवाओं से रात का पारा मध्य प्रदेश में अब लुढ़कने लगा है। अरब सागर से नमी आने का सिलसिला कम हो चुका है। रात के तापमान में न्यूनतम गिरावट दर्ज की गई है, तो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। दिन में 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं। तो सर्द हवाओं से अब रात का पारा लुढ़कने लगा है। अरब सागर में नमी आने का सिलसिला भी अब जारी है। तो रात के तापमान में न्यूनतम गिरावट देखने को मिली, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। तो दिन में 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी के आसार। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। तो वहीं कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हुई है। बर्फीली हवाओं ने प्रदेश में ठंड को बढ़ा दिया है। तो प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का भी असर देखने को मिल रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अंबिकापुर में 10.3, बिलासपुर में 14 डिग्री सेल्सियस, तो दुर्ग में 12.4, जगदलपुर में 11.4 डिग्री, रायपुर माना में 13.6, तो पैंड्रा रोड में 12.5 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा रायपुर में 14.4, राजनांदगांव में 12.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार अब ठंड देखने को मिल रही है। तो वहीं रात के और दिन के तापमान में अंतर भी देखने को मिल रहा है। रात में तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की जाती है, तो वहीं दिन में तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड है, मध्य प्रदेश में भी शीतलहर है और रात्रि में मध्य प्रदेश में ठंड तेज है। तो वहीं दिन में थोड़ा सा तापमान बढ़ा हुआ नज़र आता है और छत्तीसगढ़ में कोहरे का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है। और चलिए हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ से हमारे साथ रायपुर से टिकेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सबसे पहले बात सूरज आपसे करते हैं, राजधानी की अगर बात करें तो किस तरह के अब मौसम को लेकर अपडेट मिल रहे हैं और मध्य प्रदेश में आने वाले समय में क्या कुछ मौसम की स्थिति रहने वाली है? देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस छाया है, वहीं तो बर्फीली हवाएं भी मध्य प्रदेश में इन दिनों घूम रही हैं और यही कारण है कि लगातार तापमान भी गिरता जा रहा है। लेकिन दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसके चलते जब दिन में धूप निकलती है तो तपिश लगती है और गर्मी जैसा एहसास होता है। लेकिन रात के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर 8 से 10 डिग्री तापमान है। आने वाले दिनों में लगातार एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और आएगा, इसके चलते लगातार हम देख रहे हैं बादल भी छाए हैं, जिसके चलते गर्मी का एहसास दिन के समय होता है लेकिन रात का पारा लगातार गिरता जा रहा है। और माना जा रहा है 25 तारीख के बाद जब बादल छटेंगे, मौसम खुलेगा, तब एक बार कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा। हालांकि अभी सुबह की वक्त की बात करें तो कई जिलों में, कई शहरों में अभी कोहरा छाया हुआ है और माना जा रहा है कि सुबह के वक्त 1-2 दिन और कोहरा छाया रहेगा, बादल छाए रहेंगे, लेकिन जैसे ही बादल छटेंगे, कोहरा हटेगा, उसके बाद फिर से कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल, और जिस तरह से अब साफ देखा जा रहा है कि दोपहर की स्थिति थोड़ी सी अलग हो जाती है, दोपहर में 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो वहीं रात में सर्दीली हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से तापमान गिर रहा है। चलिए बात करते हैं रायपुर से जहां हमारे सहयोगी टिकेश हमारे साथ बने हुए। टिकेश, छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने क्या कुछ अपडेट किया है, किस तरह का मौसम अब देखने को मिल रहा है? देखिए दिनेश, बता दूं कि छत्तीसगढ़ में लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है, न्यूनतम ताप में लगातार कमी आ रही है। राजधानी रायपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं लगातार राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में लगातार जबरदस्त ठंड देखी जा रही है। लोगों को अब ठंड से बचने के लिए लगातार गर्म कपड़ों के साथ साथ सुबह अलाव के भी सहारे लेने पड़ रहे हैं। राजधानी रायपुर सहित हमने दिखाया था किस तरीके से लोग ठंड से बचने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कई जगहों पर उसकी बूंदे भी है लेकिन कोहरे है वो सुबह से लगातार बादल में छाए हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ऐसे में कई भी दुर्घटनाएं भी सामने आई है। तो निश्चित तौर पर कड़ाके की ठंड और कोहरे की मार लगातार छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में लगातार कड़ाके की ठंड और बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में लोगों को हिदायत भी दिए गए, कुछ ही दिनों में प्रशासन भी ये तैयारी कर रही है कि इस तरीके से ठंड से बचने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा, जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कड़ाके की ठंड देखी जा रही है और आने वाले समय में और भी ठंड की बढ़ने की संभावना, लगातार पश्चिमी विक्षोभ में लगातार बदलाव आने के कारण जो नमी बन रही है उसके कारण से आने वाले दिनों में बादल छाए रहेंगे। तो ऐसे में राजधानी रायपुर से सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा ठंड देखी गई है, तो ऐसे में राजधानी रायपुर सहित सरगुजा संभाग में भी विशेष तैयारियां ठंड को लेकर की जा रही है। जी दिनेश, चलिए शुक्रिया टिकेश जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर तापमान में लगातार
रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं दिन में 1 या 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ा हुआ भी नजर आ रहा है।